ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपनी यूपी बोर्ड की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी। तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड ने की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लेकिन आपकी तरफ से पूरी तैयारियां नहीं हैं। जिन सब्जेक्टों में अभी तैयारी करनी बाकी रह गई है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। न्यूज़ आगे क्या है? स्कूल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर छात्रों को देंगे एडमिट कार्ड जो है आपके। कोई गलती होने पर स्कूल से करें संपर्क, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाउनलोड नहीं करना है, आपको जाना है अपने कॉलेज और वहाँ से लेकर आना है अपना एडमिट कार्ड। नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले माह से शुरू होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूल बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को देंगे। प्रवेश पत्र में कोई गलती होने पर छात्रों को स्कूल से संपर्क करना होगा। प्राइवेट छात्रों के लिए प्रवेश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। छात्र खुद ही अपना प्रवेश पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं फीस नहीं देते हैं कॉलेज की। इस वजह से जब तक फीस जमा नहीं करेंगे, तो जब तक आपको जो है एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। स्कूल का ही अपना लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर प्रवेश पत्र छात्र छात्राओं को देना होगा। लॉगिन आईडी के लिए स्कूलों को बोर्ड से अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रवेश पत्र के साथ ही बोर्ड लिस्ट अपडेट LOC आवेदकों की सूची में जारी कर दी जाएगी। इस लिस्ट में छात्र का पूरा ब्यौरा होगा, इसके साथ ही उसके विषय की जानकारी भी होगी। छात्रों को प्रवेश पत्र लेने के लिए स्कूल से ही संपर्क करना होगा। बिना प्रवेश पत्र के छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि एडमिट कार्ड आते ही आप उसको चेक करें कि आपके सब्जेक्ट सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। मैथ होती नहीं, उन्हें मैथ लेनी पड़ जाती है, या बायोलॉजी होती नहीं, उन्हें बायोलॉजी लेनी पड़ जाती है। तो उम्मीद है कि आप पहले से ही रेडी रहेंगे, और अगर तैयारी करनी है आपको तो अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।